नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब काफी करीब आ चुके हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। उत्तराखंड पोस्ट आपके लिए चुनाव स्पेशल सीरीज लेकर आया है। इसमें हमने आपको उत्तराखंड के जिलों के विधानसभा चुनाव का गणित समझाया, आपको बताया कि इस बार यहाँ क्या स्थिति रहने वाली है। तो 12 इस एपिसोड इसके खत्म हो चुके हैं, ये आखिरी एपिसोड है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों का गणित। तो दोस्तों, टिहरी जिला गढ़वाल के जिलों में से काफ़ी अहम माना जाता है। सरकार बनाने के लिए ये जिला काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि अक्सर टिकट ना मिलने की वजह से नेता पार्टी से बगावत कर देते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और खास बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत भी जाते हैं। 2012 के अगर चुनाव की बात करें तो रिजल्ट कुछ ऐसा रहा था, 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे और वो मंत्री भी बने। तो ये जो जिला है काफ़ी अहम हो जाता है। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ जो परिणाम आए थे वो बिल्कुल उलट आए थे। 2017 में क्या हुआ था, बीजेपी ने 6 में से 5 सीट पर जीत दर्ज की थी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। कांग्रेस 2017 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब 2022 चुनाव आ चुके हैं और कई बड़े बदलाव इसमें हुए हैं। कांग्रेस के लिए जहां चुनौती है कि 6 सीटों में से ज़्यादा सीटें जीतें, तो वहीं बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचानी है। और जो बड़ा बदलाव मैंने आपको बताया कि नेता बागी हो जाते हैं, तो इस बार भी जो स्थिति वो काफ़ी ज़्यादा अलग नहीं है। तो कई बड़े बदलाव हुए हैं, तो चलिए आपको वो बदलाव बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव हुआ है टिहरी विधानसभा सीट पर। यहाँ से बीजेपी ने किसको टिकट दिया है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को। और यहाँ से कांग्रेस ने किसे टिकट दिया है, बीजेपी के सिटिंग MLA धन सिंह नेगी को। तो दोस्तों, बीजेपी ने इस बार अपने सिटिंग MLA धन सिंह नेगी का टिकट काट दिया था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस उन्हें टिकट भी दे दिया। इसके बाद बड़ा बदलाव ये हुआ कि बीजेपी में शामिल हो गए किशोर उपाध्याय और बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतार दिया। तो इस बार हमको टिहरी विधानसभा सीट पर कौन आमने सामने देखेंगे, किशोर उपाध्याय बीजेपी से और कांग्रेस से धन सिंह नेगी। एक और बड़ा बदलाव हुआ है नरेंद्र नगर सीट पर। यहाँ कांग्रेस ने टिकट दिया है ओम गोपाल रावत को, जो बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में जा चुके हैं। और वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ। इसके अलावा कई बड़े बदलाव यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए जो बागी हो जाते हैं नेता और उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत भी जाते हैं। 2022 के 12 के चुनाव के बारे में मैंने आपको बताया। तो आखिर जो टिहरी जिला है वो काफ़ी अहम हो जाता है। कभी अगर सरकार बनाने के लिए 1-2 सीटें कम पड़ जाती हैं तो निर्दलीयों को मनाना पड़ता है, उनको मंत्री पद भी कई बार देना पड़ता है। तो इस लिहाज से जो टिहरी जिला है वो काफ़ी अहम हो जाता है और इस बार भी सबकी नज़रें टिहरी जिले में रहने वाली हैं। ऐसी कई रोचक बातें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए आपको बताता हूँ टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों का गणित। टिहरी जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं घनसाली विधानसभा सीट, देवप्रयाग विधानसभा सीट, नरेंद्र नगर विधानसभा सीट, प्रताप नगर विधानसभा सीट, टिहरी विधानसभा सीट और धनौल्टी विधानसभा सीट। सबसे पहले बात करते हैं घनसाली विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहाँ बीजेपी के भीमलाल आर्य ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के धनीलाल शाह को 13,694 वोटों के अंतर से हराया था। 2017 में एक बार फिर से यहाँ बीजेपी जीती और बीजेपी के उम्मीदवार शक्तिलाल शाह ने निर्दलीय उम्मीदवार धनीलाल शाह को 11,653 वोटों के अंतर से हराया था। अब बात करते हैं देवप्रयाग विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार मंत्री प्रसाद नैथानी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के दिवाकर भट्ट को 1541 वोटों से हराया था। 2017 में यहाँ बीजेपी के विनोद कंडारी ने निर्दलीय उम्मीदवार दिवाकर भट्ट को 3,499 वोटों के अंतर से हराया था। अब बात करते हैं नरेंद्र नगर विधानसभा सीट की। 2012 में यहां कांग्रेस से सुबोध उनियाल ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के ओम गोपाल रावत को 401 वोटों के अंतर से हराया था।
2017 में सुबोध उनियाल बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार ओम गोपाल रावत को 4972 वोटों के अंतर से हराया था। 2022 में ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक बार फिर से सुबोध उनियाल और ओम गोपाल रावत के बीच में टक्कर होगी। अब बात करते हैं प्रतापनगर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के विक्रम सिंह नेगी ने बीजेपी के विजय सिंह को 542 वोटों के अंतर से हराया था। 2017 में यहां पासा पलटा और इस बार बीजेपी के विजय सिंह ने कांग्रेस के विक्रम सिंह नेगी को 1939 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं टिहरी विधानसभा सीट की। 2012 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश धने ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 377 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। 2017 में यहां बीजेपी के धन सिंह नेगी ने जीत दर्ज की थी और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश धने को 6840 वोटों के अंतर से हराया था। 2022 में धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने किशोर उपाध्याय को टिकट दिया है। अब बात करते हैं धनौल्टी विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के महावीर सिंह ने कांग्रेस के मनमोहन सिंह को 1148 वोटों से हराया था। 2017 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के नारायण सिंह राणा को 1615 वोटों के अंतर से हराया था। तो दोस्तों, आपने देखा 2012 के चुनाव का रिजल्ट और 2017 का रिजल्ट काफी अलग रहा, एकदम ही अलग रहा। तो 2022 के चुनाव में भी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और क्योंकि इस बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इसलिए कांग्रेस जो है पूरी ताकत टिहरी जिले में झोंक रही है। और बात करें अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की, तो निर्दलीय उम्मीदवार यहां काफी अहम माने जाते हैं। 2012 के अपने चुनाव के रिजल्ट देखें तो उसमें दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। और एक बार फिर से 2022 के चुनाव में कई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने वाली है। तो ऐसे में अगर पार्टियों को एक दो सीटों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो काफी अहम रोल निभाने वाले हैं। तो टिहरी जिले में सबकी नजर इस बार रहने वाली है। तो हमने आपको सभी 13 जिले की विधानसभा सीटों का गणित समझाया, आपको बताया कि 2012 में कौन जीता, 2017 में किस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की और 2022 के चुनाव में यहां क्या स्थिति हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पूरी पसंद आई होगी। आपने काफी प्यार दिखाया, काफी सपोर्ट दिखाया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। उत्तराखंड चुनाव अब काफी करीब आ चुके हैं। उत्तराखंड पोस्ट आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।